चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मौसम की। तो एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इधर बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, राजगढ़, भोपाल और सीहोर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इधर उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश में नीमच और रतलाम में दिन का तापमान सबसे कम रहा, जबकि पचमढ़ी और शहडोल में सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने के कारण भी मौसम बिगड़ रहा है। दिन भर ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते पारा भी नीचे गिरता जा रहा है। और अगले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं, संवाददाता सूरज लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। सूरज, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें, आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रात का तापमान भी काफी कम रहा, अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना भी जताई गई है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए शिवांगी, बिल्कुल 10 साल बाद एक पहला ऐसा मौका रहा है जब दिसंबर का पहला महीना इतना सर्द रहा है। बादल और मवाठों के बीच दिसंबर का आगाज हुआ है और एक दिसंबर से लगातार जिस तरीके से धुंध का मौसम है, कोहरे का मौसम है और कई जिलों में बारिश भी हुई है। यदि मैं अभी भोपाल की बात करूं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर भी धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम है और हल्की बूंदाबांदी का दौर यहां भी शुरू हो चुका है। तो राजधानी भोपाल की बात करें, खासतौर से अलीराजपुर, धार, बड़वानी, श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना जिले की बात करें तो वहां भी बारिश की संभावना है। और जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी अरब सागर में जो कम दबाव बना है, जिसके चलते जो हवाओं में परिवर्तन हुआ, ऐसा यही वजह है कि कल दिनभर से यानी कि बुधवार को दिनभर हवाएं चलती रहीं, सूर्यनारायण भगवान के दर्शन नहीं हुए, धूप ना के बराबर निकली और आज भी सुबह इसके मौसम राजधानी का वैसा ही है। हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर है, हवाएं भी चल रही, तो कह सकते हैं कि अब जो है एक 2-3-4 दिन लगातार इस तरीके का मौसम रहने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि मौसम जिस तरीके से बंगाली खाड़ी में दबाव बनाया, शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों राज्यों में लगभग मौसम सेमी है, जहां पर बूंदाबांदी भी हो रही है, कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है। हालांकि बहुत ऐसी बारिश नहीं होगी जहां से जिससे जिसके चलते फसलों को नुकसान हो। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि बारिश जरूर होगी लेकिन हल्की बारिश होगी, इससे फसलों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि जब मौसम खुलेगा उसके बाद सर्दी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि शायद मौसम खुलने के बाद राजधानी भोपाल या पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड जरूर पड़ सकती है। शुभांगी, बिल्कुल सूरज सही कहा आपने, जिस तरह से उत्तरी हवाएं लगातार जारी हैं और इन हवाओं ने सिहरन भी बढ़ा दी है, देखना होगा कि जब बादल छटेंगे उसके बाद कितनी कड़ाके की ठंड हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इस बार ठंड भी जल्दी आई है जिस तरह से मानसून भी जल्दी आया था, और कहीं ना कहीं 48 घंटों में कई जगहों में बारिश होगी जिससे ठंड भी बढ़ेगी।